वेलकम टू कुक विद वैभवी। आज जो रेसिपी बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आने वाली है, तो खास करके बच्चों के लिए है। तो उसके लिए हमें लगेगा ओरियो बिस्किट, बड़ा पैकेट ली हूँ मैंने ओरियो बिस्किट का, आप कोई भी फ्लेवर का ओरियो बिस्किट ले सकते हो। देन मैंने जो सैंडविचेस थे ओरियो बिस्किट्स के, उसको मैंने अलग निकाला है। आप ये अच्छे से घर पर बना सकते हो, थोड़ी मेहनत तो लगने वाली है, आप बच्चों के लिए उतना तो कर ही सकते हो, आप ये घर पे आसानी से बना सकते हो। अब मैं ये जो इसकी क्रीम है वो निकालूंगी ताकि, और इसको फ्रिज में रखूंगी। ये जो क्रीम है आगे जाके, मतलब जो हम डेकोरेशन करेंगे उसके लिए ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है। अब हम ये फ्रिज में रख देने वाले हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, हम बिस्किट्स लेंगे, उसे क्रश करना है। मैंने एक पॉलीथीन ली हूँ, बिस्किट्स उसमें डाली और उसको मैं अभी अच्छे से क्रश करने वाली हूँ। हमें महीन क्रश करना है, हमें ज़्यादा उसको क्रश नहीं करना है। हमें क्रश करने के बाद उसे हमें 5 से 10 मिनट या 15 मिनट्स तक हमें उसे फ्रिज में रखना है ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब ये क्रश की और बिस्किट्स हम फ्रिज में रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। नेक्स्ट हम मैंने यहाँ में अमूल फ्रेश क्रीम ली हूँ, आप कोई भी ले सकते हो, आप घर पे जो मलाई रहती है आप वो भी ले सकते हो। जो मैंने क्रीम ली हूँ वो 57 रुपीज़ की है, तो आप ले ही सकते हो। अब हम मलाई को बाउल में डाल के उसको 20 मिनट्स तक घुमाने वाले हैं। हमें इतनी मेहनत तो करनी ही है, बच्चों के लिए बना रहे हो तो इतनी मेहनत हमें जो करना ज़रूरी है, तो हम इसको 20 मिनट कंटिन्यूसली घुमाने वाले हैं। अच्छा क्रीमी टेक्सचर आने के बाद हम उसमें हर्शिस का चॉकलेट सिरप डालेंगे, आप कोई भी डाल सकते हो, या आप कोको पाउडर डाल सकते हो, या जो डार्क चॉकलेट आती है वो भी डाल सकते हो, कैडरी मिल्क जो उसको मेल्ट करके वो भी आप डाल सकते हो। इसे हमें इसे क्रीमी टेक्सचर बनाना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। जो कोको पाउडर डालेंगे तो आप उसमें बारीक पिसी हुई शुगर उसमें ऐड करनी है। तब मैंने इसमें चॉकलेट, हर्शीज़ की चॉकलेट सिरप डाली हूँ, इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो करने वाले, एक छोटा सा ग्लास लेंगे, ग्लास के नीचे लेयर बाय लेयर हमें डालना है। तो पहले हम ओरियो बिस्किट जो क्रश किए थे वो डालेंगे, देन क्रीमी चॉकलेट का जो आइसक्रीम है वो डालेंगे, देन फिर से क्रश किया हुआ बिस्किट, फिर से वो आइसक्रीम, इस तरीके से डाल के हमें उसको अच्छे से, जो हमने क्रीम निकाल के रखी थी, जो चॉकलेट बिस्किट्स की क्रीम थी वो निकाल के रखी थी, उससे हम डेकोरेट करेंगे और एक ओरियो बिस्किट लगा के उसको अच्छे से हम डेकोरेट करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में रख देंगे। यही प्रोसेस में लेयर बाय लेयर करना है, और जिस तरीके से मैंने बोला जो क्रीम हम लगाने वाले डेकोरेट करने के लिए वो लगा के हमें आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। तो हमने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा, एंड आप इसे छोटे बच्चों को खाने के लिए दीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो ये रेसिपी आप घर पर ज़रूर बनाइए, आई एम श्योर बड़ों को और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। मेहनत तो है लेकिन आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।